उसने स्वयं वो लड़की राजत्व की रानी बन करके, लेकिन बाद में सब कुछ छोड़ छाड़ करके भजन करने के लिए आई वृंदावन में। सोचे किसी संतों का शरण में जाननी चाहिए। उस समय हरिदास नाम का कि संत थे, उन्होंने उनकी शरण में गई। फिर उनके शरण में गई तो उन्होंने उनका अपना शिष्य को साथ में भेज दिया। कहाँ पर? श्री राधा कुंड में, श्याम कुंड में। वहीं पर रहकर कुछ दिन भजन किया। फिर उसको बाद में फिर उसने यहीं पर आ गए, यहीं पर आ गए। वो बड़ी विदुषित थी, बड़ी लिखी पढ़ी थी, लिखी पढ़ी थी। तो फिर संतों का कथा सुने अनुगत में। अभी यहाँ कथा करती हैं, जब कथा करती हैं इतने मधुर वो कथा करती थी वो लड़की। राजा स्वयं कथा सुनने के लिए यहाँ आता था, राजा स्वयं कथा सुनता था उसकी। लेकिन एक दिन दशहरा आया, अभी उसने क्षेत्र संन्यास लिया। क्षेत्र संन्यास जानते हो, ये ब्रज से, ये क्षेत्र धाम से बाहर में और कहीं नहीं जाऊंगा। जिंदगी दशहरा में सबके सब गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। इसके मन में इच्छा हुई मैं भी गंगा स्नान करने के लिए चलूं। लेकिन गंगा तो बड़े दूर है, हैं? लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं ना, गंगा कहाँ पर है? इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, बोले गंगा र पर सहले पश्चाते पावना दर्शने पवित्र कर यही तो मार्ग कहते हैं। जब गंगा को स्पर्श कर जाकर पवित्र होते हो, लेकिन जब वैष्णव को दर्शन मात्र से ही पवित्र हो जाते हैं। इसलिए गंगा भी क्या चाहती है? भक्तों का चरण का स्पर्श गंगा स्वयं चाहती है। भक्तों का इतने शक्ति क्यों, गंगा क्यों भक्तों का चरण चाहती है? जितने पापी आकर गंगा में नहाते हैं सारे पाप वहीं छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन उसका पाप कैसे दूर होता है? बोले संत का चरण का स्पर्श से। बोले संतों का इतने महिमा, इसलिए बोले तीर्थ कुर्बंत तीर्थानी सांत्वस्तेन गदावृतम। तीर्थ को अगर तीर्थत्व तो कोई करने वाले कौन है? ये संत है, वैष्णव है। अभी इनकी मन में इच्छा, भैया गंगा स्नान करो। गंगा स्वयं यहाँ पर, स्वयं गंगा प्रकट आई है। इसलिए जगन्नाथ जी स्वप्न दिया, बोले कोई चिंता मत करो, गंगा स्वयं यहाँ पर आएगी। रात 12 बजे वो देख रही हैं, गंगा स्वयं जगन्नाथ जी के श्री चरण से गंगा प्रकट हुई है। और हजार हजार लोग वृंदावन बिहारी लाल की पिताई गौर ब्रह्मानंद, हजार हजार लोग स्नान कर रहे हैं गंगा में। गंगा स्वयं प्रकट हो गई, शंख बजा रहे हैं, धुंधु भी बजा रहे हैं, सब लोग बड़े आनंद से गंगा स्नान कर रहे हैं सबके सब। अभी ये भी चली गई गंगा स्नान करने के लिए। जब चली गई पता नहीं एक लहरी आई, वो लहरी उसको बहाते हुए पूरा जगन्नाथ जी के चरण में ले गई, चरण में ले गई। इतने में जो जगन्नाथ मंदिर बंद हो गया, ये रात का घटना है। बाहर का लोग सुने, भैया अंदर में बड़े हई हल्ला हो रहा है, दरवाजे तो बंद कर दिया, ये हयोला कहाँ से आ रहे हैं? राजा को बुलाया, पुजारी को बुलाया, तो दरवाजा खोले ना, देखा कुछ है नहीं, गंगा माता गोस्वामी ये अकेली। बोले भैया इसको तो बड़े साधु रूप में सब जानते हैं, कथा सुनाती हैं, लगता है ये अकेली जगन्नाथ जी का शरीर में जो सोने दाने है ना चांदी है, शायद ये चोरी करने के लिए ये अकेली साथ छुप करके बैठी गई थी। राजा ने उसको जेल में बंद करवा दिया। बोले ये बड़े साधु बनती है, वो यही गलती ऐसे गंदी काम करती है, उसको जेल में बंद कर दिया ना। कितने में श्री जगन्नाथ जी स्वप्न दिया, बोले महाराज इसकी गंगा स्नान करने की इच्छा थी, गंगा मेरे चरण से प्रकट हुई, इसलिए ये मेरी लीला है, मेरी इच्छा से वो आई है। उसने नहीं की काम को, हैं? जाओ उसका तुम चेले बनो और उसको मुक्त करो जेल से, उसका चेले बनो। राजा ने जा करके माफी मांगी, उसको मुक्त कर दिया, उनका राजा स्वयं चेला बने। और उनको सारा जीवन के लिए, बोले जब तक तुम रहोगे तब तक श्री जगन्नाथ जी का प्रसाद तुम्हारा लिए हम व्यवस्था कर देते, तुम्हारे लिए प्रसाद आएगा। अभी भी शायद यहाँ प्रसाद आता होगा, तब से हाँ प्रसाद आता होगा, इसलिए यहीं पर उसने भजन करती थी। अभी हम जाएंगे देखेंगे वो गंगा स्वयं जहाँ पर प्रकट हुई थी, इसलिए ये स्थान का नाम है श्वेत गंगा। हाँ, गंगा सफेद रंग के, इसलिए गंगा जहाँ प्रकट हुई थी वो पानी आचमन लेने से गंगा स्नान करने का हमें फल प्राप्त होता है। इसलिए आप आज ही गंगा स्नान करोगे चलो, लेकिन छलांग नहीं वाला ना, आचमन सबके सब। बोले श्री गंगा माता गोस्वामी की, बोले श्री सार्वभौम भट्टाचार्य की।